वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की, जो कि आपके स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो पार्ट है, हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में क्या दिया है, ध्यान देना क्या दिया गया है। तो देखो क्या दिया गया है, टूडेज वर्ल्ड इज मार्केड बाय साइंटिफिक इनोवेशन एंड डिस्कवरीज। ठीक है, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, दिस रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस एनेबल टू क्रॉप इन टू द क्वेश्चन वॉट इज साइंस। ठीक है, वॉट इज साइंस, साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, देर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस। तो सीधे सीधा क्या बता रहा है कि आज की दुनिया में जो है इनोवेशन और जो जितने भी आविष्कार वगैरह हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बीच में एक जो है क्वेश्चन निकल के आता है जो कि बताया है कि क्या होता है साइंस। तो उसके बारे में बता रहा है, तो जनरली जो साइंस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पहला नेचुरल साइंस और दूसरा सोशल साइंस। तो क्या होता है नेचुरल साइंस और क्या होता है सोशल साइंस, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला जो दिया गया है वो नेचुरल साइंस के बारे में दिया गया है। तो नेचुरल साइंस क्या होता है देखते हैं। Natural science is one whose law are universal acceptable and their validity can be tested in laboratory under controlled conditions. Natural sciences are also called extract science because there are imperial approach to the study. तो क्या बोला गया है कि natural science generally क्या है कि natural science जो है universal acceptable, universal का मतलब होता है same, यूनिवर्सल का मतलब होता है सेम। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है जो कि हर कंडीशन में ये अप्लाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको और भी कौन से नाम से हम बुलाते हैं, इसको और भी हम एक्सट्रैक्ट साइंस के नाम से हम बुलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जो है बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया, मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह, ये जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल, कोई भी एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो सोशल साइंस बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियर साइंस, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये टोटली ह्यूमन बिहेवियर्स पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, टोटल ह्यूमन बिहेवियर पे, जैसे भी वो रिएक्ट करते हैं उसके हिसाब से ये सोशल साइंस रिएक्ट करता है। देखो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर साइकोलॉजिक इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि टोटली सोशल साइंस मतलब ही है ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड होना। आगे बात करते हैं क्या दिया, सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन एज वेल एज मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो सोशियोलॉजी है वो भी जो भी बताता है सोशियोलॉजी, वो भी नथिंग बट क्या बताया है सोशल साइंस के बारे में। आगे हम बात करते हैं क्या बोला है, ह्यूमन बिहेवियर कैन नेदर एम्पिरिकल टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन द लैबोरेटरी, हेंस द लॉ ऑफ सोशल साइंस आर यूनिवर्सल बट दे आर ओनली स्टेटमेंट ऑफ जनरल टेंडेंसीज। क्या बोला कि ह्यूमन बिहेवियर है जो कि यहाँ पे पढ़ने की जरूरत तो मतलब पड़ती है कि हर जगह पे इसको पढ़ाया जाता है, बट अगर रियलिटी में देखा जाए यूनिवर्सल रहने के बावजूद ये जो है सभी ह्यूमंस में डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से निभा रहे अपने आप को, दैट इज नोन एज सोशल साइंस। तो पहला नेचुरल साइंस है और सेकेंड इज सोशल साइंस है। ठीक है, तो नेचुरल साइंस मतलब सिंपल क्या समझ में आया था, नेचुरल साइंस इज यूनिवर्सल इन नेचर, सबको एप्लीकेबल करना ही पड़ेगा, और सोशल साइंस मतलब ज्यादा कुछ नहीं, वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखते हैं कुछ इसके मीनिंग। तो मीनिंग के बारे में क्या दिया गया है, फोकस करना मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग देखना, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, पहला लाइन क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। तो ये याद रखना, फ्रेम द लाइंस में पूछा जाता है इकोनॉमिक्स इन द सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स इज लाइज इन द ग्रीक वर्ड, क्या नाम से बुलाया गया इसको, ओकोनोमिया, मतलब ओकोनोमिया का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स।
विच मीन्स मैनेज ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है, इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिया ये वर्ड आप याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखोगे। नेक्स्ट है, इसको हटा दो पहले, तो आप लोग किसे याद रखोगे, इकोनॉमिया को आप याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स इज रिफर टू एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुएलसन। तो किसने जो है बताया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्वीन ऑफ द साइंस, क्वीन ऑफ द सोशल साइंस, किसने बताया है, ये बताया पॉल सैमुएलसन ने, इसने बताया है पॉल सैमुएलसन, ये बंदा है, इस बंदे ने बताया है कि क्वीन जो इकोनॉमिक्स है वो है क्वीन ऑफ सोशल साइंस। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक्स डील इन डील विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो हमने पहले ही देखा था कि इकोनॉमिक जो है जनरली किसके साथ डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। आगे बात करते हैं, इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मींस। तो क्या बोला गया है कि ये जो है जनरली बताता है कि किस तरीके से जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होते हैं हर ह्यूमंस के, तो वो किस तरीके से लिमिटेड मींस से वो सेटिस्फाई हो सकते हैं। जैसे कि अगर जो भी इच्छा हो रही है, आपका इच्छा तो हमेशा बदलते ही रहता है, बहुत सारे इच्छा होते हैं, लेकिन क्या बताया गया कि जो इच्छा है वो तो बहुत सारा है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लेकिन दुनिया में जो वस्तुएं मिल रही है वो तो लिमिटेड है। वो लिमिटेड होने की वजह से वही बताया गया कि ह्यूमन बींग्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो अनलिमिटेड होता है, बट जो गुड्स वगैरह है वो लिमिटेड होता है, उसी के ऊपर, उसी के बेस पे ये बताया गया। अगला हम पार्ट देखते हैं क्या दिया गया है। Let us understand the nature of economics, ठीक है, with respect to some popular definition. क्या क्या definition दिया गया इसके अंदर हम बात करते हैं। पहला जो definition दिया है वो definition दिया गया है Cotillia's views on economics. तो Cotillia के हिसाब से क्या definition है, पहला दिया अर्था, हिंदी में जो है economics हम अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है, ये नाम बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो देखो क्या बोला है, अर्था मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस, ठीक है, तो ये दो नाम बताया जिसको मिला के क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र। तो क्या बोला है, अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। सिंपल है, नाम सुना होगा आपने कि वेल्थ इज हेल्थ, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, वन टाइप ऑफ अर्थशास्त्र है, जिसका मतलब है साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, ठीक है। आगे क्या दिया, एसेंशियल अर्थशास्त्र इज द ट्रीटीस्ट ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इन इट्स ब्रॉडर सेंस। तो अर्थशास्त्र जो है ये जनरली सिर्फ आपकी के लिए नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए एक तरीके का बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला, मतलब जो बोल सकते वस्तु, मतलब बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला थिंग है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी को या फिर एक प्लेस पे ही सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में चल रहा है, ठीक है। तो इसके जो कुछ की पॉइंट्स है, सिंपल आप जो है इसका डेफिनेशन इतना ही याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है कितना सा, कि अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, इतना ही, ये आपका क्या है डेफिनेशन है, आप इतना सा याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं की पॉइंट बेस्ड ऑन कौटिल्यस व्यू, क्या क्या की पॉइंट है। पहला, क्लरिकल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट, स्टेट और गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे क्लरिकल मतलब इम्पोर्टेंट रोल, इकोनॉमिक्स पे फोकस करने वाला जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स पे, तभी अच्छे से देश चल सकते। नेक्स्ट है, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मींस ऑफ इंश्योर वेल्थ ऑफ द स्टेट। यहाँ पे जो है एक टाइप का जो है सबके हिसाब से सोचना पड़ेगा, सबके हिसाब से चलना पड़ेगा और वेल्थ को क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरा है, नीड्स फॉर एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज फॉर गुड गवर्नमेंट।
अब यहाँ पे जो जरूरतें हैं उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि जो भी जरूरतें हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इन द सेंस कि जो भी गवर्नमेंट के लिए जरूरत है तो वो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, तभी जाकर अच्छे से काम करेगा। तो उसके लिए भी सबसे पहले गवर्नमेंट को अपना इकोनॉमिक्स को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छे से कवर कर पाएगा। नेक्स्ट लास्ट है कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू शास्त्र। तो जो भी फ्यूचर में आइडियाज आ रहे, जो भी थिंग्स आ रही है, उसको भी एज अ व्यू देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर वो किस तरीके से काम करेगा। अगर क्योंकि आजकल देखा जाए तो टोटल बेस है आपकी, मतलब जितना भी देखोगे आज के दुनिया में सब जो है इकोनॉमिक्स पे ही डिपेंड है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मनी, और मनी मनीज वर्थ, ठीक है, मनी और मनीज वर्थ। तो सिंपल आप याद रखोगे मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। तो इकोनॉमी का मतलब यही होता है, तो मतलब याद रखोगे इसका मतलब क्या है कि पैसा है तो सब कुछ अच्छे से चलेगा, अगर पैसा नहीं है तो नहीं चलेगा, तो वही बात है, ठीक है। तो ये था आपका डेफिनेशंस, और डेफिनेशन और एक बंदे ने दिया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एडम स्मिथ, वेल्थ ओरिएंटेशन डेफिनेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने एज रिगार्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इस बंदे को जो है ये अंग्रेज को जो है इकोनॉमिक्स में दर्जा दिया गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इसको बोला गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, किसको बोला गया है, इसको बोला गया स्मिथ को, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया है, याद रखोगे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो इस अंग्रेज ने क्या बोला है, has given the wealth oriented definitions of economics, क्या बोला गया, out of his many literacy contribution to economics, his most famous for his 1776 piece of work, an inquiry into the nature of process of wealth of nation, Adam Smith defined economics as science of wealth, देखो इतना सारा भाषण दिया है कि 1776 में इसने बताया था, और क्या बताया था एडम स्मिथ ने, सिर्फ इतना सा बताया है, एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमी को कितना सा बताया है, सिर्फ इतना सा बताया, ज्यादा कुछ नहीं बताया है कि ए साइंस ऑफ वेल्थ, ये है डेफिनेशन इकोनॉमिक का, बस आप लोग इतना सा ही याद रखो, ये है आपका डेफिनेशन, ये आपको क्लियर है तो सब क्लियर रहेगा, ठीक है। इसका इसका की पॉइंट कुछ है, चार की पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसे एक बार पढ़ना, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ इतना सा ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में डेफिनेशन सिर्फ इतना सा आएगा, ठीक है। और की पॉइंट्स क्या है, लेजियर फेयर नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजियर फेयर मतलब कोई भी एक दूसरे के बीच में दखल अंदाजी ना करे। नेक्स्ट है कैपिटल एंड वेल्थ एक्युमुलेशन, नेक्स्ट क्या है कि जो भी काम हो रहा है उसके अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है पैसा, पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, तो जो भी काम हो रहा है वो उससे जो है वेल्थ भी बनना चाहिए और कैपिटल भी बनना चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों बनने चाहिए। नेक्स्ट है नेचर लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर, यानी कि जो कानून है भले वो नेचर का हो, नेचर भी देखो प्राकृतिक भी बहुत कुछ सिखा देता है, उनका नेचर लॉ भी कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के हिसाब से होना चाहिए, तभी हमारा ग्रोथ होगा, नहीं तो ग्रोथ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी, तो जो भी लेबर से भी रिलेटेड होगा उससे भी जो भी निकल के आएगा सामने उससे ग्रोथ होना चाहिए हमारा, दैट्स ऑल। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही हमने देखना था, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा और हमने मीनिंग के बारे में जाना, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है आपको समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर हमने देखा मीनिंग, देन आफ्टर दो डेफिनेशन देखा, एक कौटिल्य का और दूसरा देखा हमने इस
अंग्रेज का मतलब स्मिथ का, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाता है, तो आप लोग याद रखोगे इसे। और देन आफ्टर इसके कुछ की पॉइंट्स देखें, तो बाकी का जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के दो डेफिनेशंस और देखने हैं, देन आफ्टर हम स्टार्ट कर देंगे अपना मेन टॉपिक जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।